काम तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन पहले पैसा, मनी, डॉलर। $1,000,000। केडीआर, ये फ्लाइट और कितना डिले होगी? 2 घंटे तो हो गए। हमेशा इतना उतावला क्यों रहता है धवे? बोर हो रहा हूँ यार। चल, टाइम पास करने के लिए एक पहेली पूछता हूँ तुझे। पहेली? अरे पहेली के नाम से इतना डरता क्यों है? आसान सा है। ये 3 ग्लास है भरे हुए, ये 3 ग्लास खाली। ठीक है, अब एक ही ग्लास को हिलाकर एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली। ये तो आसान है, ये देखो। अरे यार, एक ही ग्लास उठाना है। कोई तो ट्रिक है, बस पकड़ में नहीं आ रही। आप भी सोचिए सुवर्णा जी। जी नहीं, मुझे ऐसे बेकार के खेल नहीं पसंद। मिस सबनिस, मिस्टर पाठक, मिस्टर दवे, आई एम सो सॉरी, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। वो एक्चुअली क्या है ना, मिस्टर वालिया का जो प्राइवेट जेट है वो रिफ्यूल होने गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सो सॉरी, प्लीज कम दिस वे ना, वी आर रेडी टू फ्लाई टू चंडीगढ़। प्लीज चलिए। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। हेलो, देखो प्लीज, पहले तुम रोना बंद करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगी मैं। हाँ, आइए 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 हाजरीन। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि आज मैं कितना खुश हूं कि आप जैसे कानून के रखवाले दिग्गज आज मेरी फ्लाइट में मेरे साथ, और आप हैं हमारे देश के सबसे अनुभवी जजेस में से एक, जज इंद्रजीत राणा और जाने माने क्राइम जर्नलिस्ट अध्ययन राव। हाय एवरीवन। सबसे रिस्पेक्टेड प्रोसिक्यूटर में से मिस स्वर्णा सबनिस, और आप हमारे हरफन मौला इंस्पेक्टर दवे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे ग्रेट डिफेंस लॉयर मिस्टर के डी पाठक। आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। आप प्लेजर मिस्टर वालिया। इनफैक्ट जज साहब ने रिक्वेस्ट किया तो हम आ गए इनॉग्रेशन के लिए। अरे भाई, हम सबको तो जाना ही पड़ता। देश के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वालिया साहब चंडीगढ़ में देश का सबसे बड़ा लॉ कॉलेज खोल रहे हैं, और उसके इनॉग्रेशन के लिए जा रहा हम सबके लिए गर्व की बात है। क्यों पाठक साहब? उठा लीजिए सुवर्णा जी, टेक ऑफ में टाइम है। हाँ, मैं बाद में ले लूंगी। डियर पायल, सब लोग आ गए हैं
कैप्टन से कहो कि फ्लाइट जाने के लिए तैयार है। यस सर। वन मिनट। क्या तो वी आर रेडी? यस मिस्टर वालिया। एवरीबडी जस्ट मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड जस्ट बी फ्री। कैप्टन गोर्स्की, मिस्टर वालिया ने सिग्नल दे दिया, वी आर रेडी टू टेक ऑफ। क्या कर रहे दवे? कुछ नहीं सर, केडी ने एक पहेली दी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहेली? कैसी पहेली? सर आप रहने दीजिए, परेशान हो जाओगे ऐसे ही। टेल मी, व्हाट इज दैट? सर छह गिलास है, तीन भरे हुए तीन खाली। ओके। वो सबको ऐसे अरेंज करना है कि ऑल्टरनेट हो जाए, एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली। ओके। लेकिन एक टाइम पे एक गिलास छू सकते, मतलब एक ही गिलास छू सकते हो आप। वेरी सिंपल यार, आई विल डू इट, लेट मी ट्राई। ये भरा हुआ, ये खाली, भरा हुआ, ये भरा हुआ। सर करूं? फॉरगेट इट यार, ये केडी भी पता नहीं कहां कहां से क्या चीज निकाल खिलाता है। यू डू इट। लगता है वालिया साहब को इस लॉकेट पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। कहीं इनके करोड़ों का राज ये लॉकेट तो नहीं? क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? ठीक तो है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स सब ठीक है। थैंक यू सर, आपको यकीन नहीं होगा मैं कितनी एक्साइटेड हूँ आपसे मिलके। आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे प्लीज? ऑफ कोर्स। पेपर? दैट्स ओके, आप मेरे हाथ पे दे दीजिए ना। थैंक यू सो मच सर। So sorry sir, लगता है कि प्लेन एयर पॉकेट में जा गिरा और मैं आपकी गोद में। सॉरी। खड़े हो जाइए। थैंक यू। वेदर फोरकास्ट तो बिल्कुल सही था, यह अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? कैप्टन, ये इतना ट्रबलेंस क्यों है? एयर ट्रैफिक की वजह से आई हैव टू टेक डिफरेंट रूट। व्हाट? दूसरा रूट? यस सर, अरेबियन सी से। विल रीच ऑन टाइम। सब के सब तैयार हो जाओ, खेल शुरू। What is happening? Engine fail हो गया सर, we are going down. मैं देखता हूँ। Captain, आपको कोई सहायता चाहिए? No, you please go to your seat. फिर भी call for help. मेरे flight 45 की क्वेश्चन पा रहा है मुझे, चल ही नहीं रहा। I told you, nothing is working.
गो टू योर सीट प्लीज, हमें प्लेन क्रैश लैंड करना पड़ेगा। पायल, तुम्हारे माथे पे तो चोट लगी है। आई आई गोर्स्की, तेरा फर्स्ट एड किट ले आ। ऑपरेशन जजीरा सक्सेसफुल। जैसा आपने बोला था, मैं इन सबको यहां ले आया। अब मेरा यहां से निकलने का बंदोबस्त करो। कैन यू हियर मी? ओवर। बैड लक नहीं, सौभाग्य है ये हमारा सुवर्ण, कि हम दरिया में ना गिरे। अगर वहां गिरे होते तो मछलियां चल रही होती हम पर। लेकिन हम हैं कहां? पता नहीं दवे, वो जजीरा लग रहा है। देखते हैं मनुष्य का वास है या नहीं इसमें। यहां तो नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है, लगता है कि हम ट्रैप हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई रास्ता होगा यहां से निकलने का, और कोई ना कोई रहता होगा यहां पे। केडी, वहां पर कोई है, एक आदमी। जंगली कबीले वाले शायद हमारी मदद कर सके, मैं देखता हूं। ए, रुको! संभाल, ऊपर जाल है। ये सब तो होना नहीं चाहिए था। आई डिडंट आस्क फॉर दिस। गुड केडी, लगता है डर गए। फायर! हिंसा का जवाब ये लोग हिंसा से ही देंगे।
अरे शेरी सुन रहे हो? गॉड की नहीं। जो भी है से डरते हैं ये लोग। ये लोग तो भाग क्यों गए? शेरवेर है क्या? नहीं जज साहब, ये कुछ और ही है। तो 100 शेरों की दहाड़ से भी ज्यादा आवाज है। कौन से जानवर की आवाज है? अरे नहीं जानना किसकी आवाज है। इस दर्शन की आवाज आ रही है, हमें इधर भागना चाहिए। भागो! डायनासोर? ये धोखा है, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने धोखा किया। गॉस्की रुक, गॉस्की। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू जुरासिक जजीरा। वो तुम्हारा बेवकूफ पायलट अब बेहतर है, आराम कर रहा है अंदर। आपने अपना परिचय नहीं दिया। इंट्रोडक्शन? ओ यस, हाई टाइम। मेरा नाम डॉक्टर जोसेफ रेगो है। डॉक्टर जोसेफ रेगो?
वो मशहूर माइक्रोबायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो 10 साल पहले किसी जंगल एक्सपीडिशन में हम लोगों को पता चला था कि मारा गया। मर तो गया हूं दुनिया के लिए, और यही मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी और मौत इसी जजीरे पर है। आप यहां 10 सालों से रह रहे हैं? हाँ, 10 सालों से मैं यहाँ इस आइलैंड पे हूँ। एक ऐसा जजीरा जिसे वक्त भुला चुका है, वो वैसा ही है जैसे भगवान ने इसे बनाया था। और ये डायनासोर ये डायनासोर मेरे बनाए हुए जीव है। कई सालों से मैं डायनासोर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सोचता था कैसे मैं उन्हें रेप्लिकेट करूं और उन्हें फिर से इस धरती पर जन्म दे सकूं। और कई सालों की एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैं डायनासोर्स को पैदा करने का एक रास्ता निकाल चुका था, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर कोई आता जाता ना हो। और जब मैंने इस आइलैंड को डिस्कवर किया तो मुझे लगा कि मुझे ये सही जगह मिल गई। और आज आप देख सकते हैं कि मेरे एक्सपेरिमेंट की बदौलत आज डायनासोर फिर इस धरती पर हैं। लेकिन आपने इतनी बड़ी डिस्कवरी को दुनिया से क्यों छुपा कर रखा? क्यों? ताकि आप जैसे लोग यहां पर आके जुरासिक पार्क खोल सकें, प्रगति और पैसे के दम पर मेरे इस बनाए हुए जन्नत को नरक बना सकें। इन डायनासोर्स को मैंने बनाया है, 10 सालों तक मैं इनके साथ रहा हूं। इन 10 सालों में मैंने इन्हें स्टडी करके इन पर काबू पाया है। वो कैसे? गुड क्वेश्चन, आओ बताता हूं। ये तो किसी साउंड स्टूडियो जैसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने जज साहब, साउंड संपर्क का एक ऐसा जरिया है जो हम इंसान एक दूसरे के साथ करते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए उसकी बातें सुनते हैं, उससे बातें करते हैं। और अगर इसी तरह हम जानवरों के साथ यही संपर्क बढ़ाएं और उनसे अपनी बात कह सकें तो जानवरों से भी एक संपर्क का जरिया बन जाता है। और इन डायनासोर्स को बनाने के बाद मुझे इन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी था, और वही मैंने किया इस इक्विपमेंट्स के जरिए। और आपको इस इक्विपमेंट की इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? मैंने यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाई है। तो इस साधन द्वारा आप डायनासोर से संपर्क करते हैं? हाँ बिल्कुल, बरसों तक मैंने डायनासोर्स की आवाजों को सुनी, उसे रिकॉर्ड की। जिस तरह साइंटिस्ट वेल और डॉल्फिन्स की भाषा को डिसिफर करते हैं, उसी तरह मैंने डायनासोर्स की भाषा को डिसिफर किया और इस किताब में लिखा। फैंटास्टिक, ये किताब तो अकेले करोड़ों की है, अगर मैं इसे बाहर ले जा पाया तो। मतलब आप डायनासोर से बातें कर सकते हैं? बातें ही नहीं, उन्हें आदेश भी दे सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं जो कहता हूँ वो वही करते हैं इस सीडी के द्वारा। ये सीडी बजाकर आपने गोस्की की जान बचाई थी। बिल्कुल सही कहा, मैंने उस वेलोसिराप्टर को आदेश दिया कि वो कैप्टन को छोड़ दे, और उसने वही किया। ये डायनासोर्स मेरे अपने पर्सनल आर्मी है। लेकिन सर, जहां जंगली आदम खोर है और डायनासोर्स है, ऐसी जगह आपको ही मुबारक हो। हमें हमें प्लीज यहां से निकलने का रास्ता बता दीजिए। वो तो अब नामुमकिन है, क्योंकि यहां से तुम में से एक भी इस जजीरे से बाहर गया तो मेरा राज गया। देखिए, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब प्लीज जाने दीजिए हमें। ख्याल नेक है, लेकिन ऐसा चांस मैं नहीं ले सकता। 2 साल पहले मेरा एक असिस्टेंट था जो बीमारी का बहाना करके इस जजीरे को छोड़कर गया, और वो आज तक वापस नहीं आया। अब आप लोग भी यहीं रहेंगे,
मेरे साथ। जैसे मैं अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर आया हूं और यहां रह रहा हूं, उसी तरह आप लोग भी यहीं रहेंगे। देखिए, हम यहां बिल्कुल नहीं रहेंगे। हमारे पायलट को होश में आते ही हम यहां से निकल जाएंगे। इम्पॉसिबल, कोशिश भी मत करना। एक बार मेरी गोली से तो बच जाओगे, लेकिन मेरे पालतू डायनासोर से नहीं। पायलट के होश में आते ही यहां से निकलना पड़ेगा। इतना सरल नहीं होगा तवे। मुझे पूरा संदेह है कि हमारे प्लेन का क्रैश होना ये संयोग नहीं, योजना के तहत की गई। कैसे? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है गोर्स्की भी इसमें शामिल था। गोर्स्की? गोर्स्की, किसने चाकू मारा तुम्हें? मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझकर तुम सबको यहां लेके आया था। किसके कहने पर? गोर्स्की, गोर्स्की, ये तो मर गया। तुमने मारा है इसे। तुम जानते थे कि ये यही है जो हमें बचाकर यहाँ से ले जा सकता है, इसलिए इसे बचाने की आड़ में तुमने इसे मार दिया। नो, मैंने किसी को नहीं मारा। सोना, अगर डॉक्टर रेगो गोर्स्की को मारना चाहते थे तो उसे डायनासोर से बचाते ही नहीं। आप सही कह रहे गेडी साहब। अरे, जो आदमी अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आ सकता है, उसे किसी और की क्या पड़ी होगी? इसी ने मारा है। हो सकता है हम में से किसी एक ने मारा हो। हम में से एक? पर हम में से तो कोई यहाँ आया ही नहीं। क्या देख रहे हो केड़ी? ऐसा कोई सुराग ढूंढ रहा हूं जिससे पता चले कि गोर्स्की किसके लिए काम करता था। लेकिन किडी से चाकू मारा किसने? जताब, जिस प्रकार से चाकू लगा हुआ है, ये तो किसी दाहिने हाथ का उपयोग करने वाले व्यक्ति ने मारा है। और राइट ही तो डॉक्टर रेगो है। राइट हैंडेड तो तुम भी हो और मैं भी। ये बटन तो डॉक्टर रेगो की शर्ट का है। जब तुमने इसे मारने की कोशिश की तब इसने बचने की कोशिश की और छीना झपटी में वो बटन टूट गया। लेकिन ये बटन तो गोर्स्की के दाहिने हाथ में था और ये बटन, जैसा तुम कह रही हो, डॉक्टर रेगो के दाहिने कंधे का है। तो गोर्स्की को पकड़ना होता तो बायां कंधा पकड़ता, दाहिना कैसे? देखो केडी, तुमने इस डॉक्टर रेगो का केस नहीं लिया हुआ है, ये अदालत नहीं है, तो इसे डिफेंड करना बंद करो। Come on, छोड़ना। केडी सिर्फ अपना पक्ष रख रहा है। वाह, ये तो जजीरे पे अदालत हो गई। जज, डिफेंस, प्रोसिक्यूशन, गवाह और आप सब लोग। हाँ, और गवाह सस्पेक्ट आप लोग। और मुलजिम मैं। हाँ, और गवाह कबीले वाले और डायनासोर्स। वाह, क्या अदालत है, जजीरे की अदालत। डॉक्टर रेगो, इन आदमखोरों की क्या कहानी? उनसे मेरी नहीं बनती, वो मेरे दुश्मन हैं। अगर मेरे पालतू डायनासोर नहीं होते तो वो लोग मुझे तब का कच्चा खा गए होते। गोर्स्की, इस केस की आखिरी कड़ी है, चल चल कर प्लेन में इसका सामान चेक करते हैं। लेकिन केडी, प्लेन तक जाना खतरनाक है। बाहर ये डायनासोर और वो खतरनाक,
आदमखोर कबीले वाले। अब चिंता मत करिए जज साहब। अरे आप लोगों को मरना है मरो, मैं जा रहा हूँ। मेरे पास पायलट्स का लाइसेंस है, आई कैन फ्लाई, मैं जा रहा हूँ। जाना बेकार है, तुम सब लोग यहाँ कैदी हो, कैदी हो। अब तक तो तुम लोगों ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, इस जजीरे का असली खलनायक तो बाकी है, मेरा सबसे खतरनाक टीरेक्स। क्या हुआ? मेरा लॉकेट। दवे तुम सबको लेके जाओ, लेकिन केडी तुम। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है, प्लीज कोई मुझे घर ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। ये आवाज इधर से आ रही है, हमें कहीं और भागना होगा। Come fast.
बन गया डिनर। मेरा लॉकर चबालिए क्यों रुक गए आप? अरे मेरा लॉकर गिर गया। अरे जान बचाई, लॉकर छोड़ी आई है। मेरा लकी लॉकर है। अरे जैसे लोरे। अरे जान जान। अरे मैं कैसे जाऊँ? मेरा लॉकर। अरे राव रुको, मेरा लॉकर। मेरा लॉकर कहाँ गया? Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.